हेलो दोस्तों, मैं चंद्रमोहन और आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ का चैप्टर फर्स्ट। क्लास नाइन्थ का चैप्टर फर्स्ट करेंगे जो कि साइंस का है, हमारे आसपास के पदार्थ में जो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे पदार्थ क्या है। पदार्थ क्या है तो बात की जाए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, संसार की सभी वस्तुएं क्या हैं पदार्थ हैं। अगर बात की जाए संसार की, वे सभी वस्तुएं पदार्थ हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, यानी जिनका द्रव्यमान होता है, जिनका आयतन होता है, कह सकते हैं, या फिर जो स्थान घेरती हैं। वे सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं, जिनका द्रव्यमान होता है, आयतन होता है, स्थान घेरती हैं, तथा जिन्हें हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा क्या महसूस कर सकते हैं, वे सब क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेज, हवा, पानी आदि, ये सभी क्या हैं? ये सभी पदार्थ हैं, यानी कि संसार में जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं वे सभी क्या हैं? पदार्थ हैं। बात की जाए तो प्राचीन समय में पदार्थ को पांच तत्वों में बांटा गया था। कौन कौन से तत्वों में बांटा गया था? तो वे पांच तत्व थे। सबसे पहला वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, ये पांच तत्व थे जिसमें पदार्थ को बांटा गया था। इन्हीं पांच तत्वों से हमारा पदार्थ मिलकर बना है। बात की जाए तो पदार्थ की विशेषता बताएं, पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। छोटे छोटे सूक्ष्म कण मिलकर क्या करते हैं? निर्माण करते हैं पदार्थ बनाते हैं। बात की जाए इन कणों के बीच में थोड़ा रिक्त स्थान भी होता है। ये रिक्त स्थान किस लिए होता है? रिक्त स्थान इस कारण होता है क्योंकि ये कण निरंतर गति करते हैं, जिसके कारण हमें पता चलता है कि प्रत्येक पदार्थ में क्या है? रिक्त स्थान है। और इन्हीं कणों की गति के कारण पदार्थ की अवस्थाओं का भी पता चलता है। जैसे कि बात की जाए इनमें गतिज ऊर्जा होती है। और बात की जाए तो इनके बीच एक बल होता है जो एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षित करता है। एक बल होता है, बल आकर्षण बल कह सकते हैं, लेकिन उस आकर्षण बल का नाम क्या है? तो उस आकर्षण बल का नाम दिया गया है जो एक दूसरे को अपनी ओर खींचता है, तो उसे अंतरानुक बल कहते हैं। ये अंतरानुक बल क्या करता है? ये जो पदार्थ के कण होते हैं उन्हें बांधे रखता है, यानी कि एक आकर्षण बल ही है ये जो एक दूसरे को बांधे रखता है, ये अंतरानुक बल। अंतरानुक की बात की जाए तो जब किसी पदार्थ का ताप बढ़ाते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। बात की जाए तो एक दूसरे को क्या करते हैं, जब क्या होता है, कण एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पानी में चीनी मिलाने पर क्या होता है, हमें पता नहीं चलता कि इसमें चीनी घुल चुकी है। तो वो किस कारण होता है? वो अंतःमिश्रण के कारण होता है। ये क्या है अंतःमिश्रण?
जब पदार्थ के कण आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाए। पदार्थ के कण क्या करें? पदार्थ के कण आपस में एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ मिल जाए, उसे क्या कहते हैं? अंतः मिश्रण कहते हैं, अंतः मिश्रण कहते हैं। और इसका कारण क्या होता है? जो इनके बीच रिक्त स्थान होता है, रिक्त स्थान, मान लीजिए दूसरा, ये एक पदार्थ है, एक पदार्थ के कण, और दूसरे के ये हैं, दूसरे पदार्थ के कण ये हैं, तो वो कण कहाँ इन रिक्त स्थानों में चले जाते हैं, जिस कारण हमें क्या, वो दोनों पदार्थ दिखाई नहीं देते हैं। और ये कंडीशन बन जाती है कि जब क्या होता है, एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ के कण मिल जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अंतः मिश्रण कहते हैं, अंतः मिश्रण कहते हैं, अंतः मिश्रण। इससे बात की जाए तो ये अंतः मिश्रण कहलाते हैं। और जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं, जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं, और मिलने का कारण वे खुद स्वयं मिल जाते हैं, यानी कि स्वयं से ही मिल जाते हैं, हमें मिलाने की आवश्यकता नहीं होती, स्वयं ही मिल जाते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को विसरण कहते हैं, विसरण। तो विसरण क्या है? दो पदार्थों का आपस में स्वतः ही मिलना, यानी स्वयं से मिलना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है, विसरण कहलाता है, विसरण कहलाता है। और इन विसरण कहलाता है, और पदार्थों के बीच में जो बल पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? अंतरानुक बल के आधार पर ही क्या किया गया है कि ये बल ज़्यादा है या कम है या मीडियम है। इस आधार पर क्या कर दिया है? हमने पदार्थ की अवस्थाओं को बांट दिया, पदार्थ की अवस्थाओं को बांट दिया, अवस्थाएं में बांट दिया। अवस्थाएं क्या होती है? पदार्थ की अवस्था देखते हैं। पदार्थ की अवस्था तीन प्रकार की होती है। पदार्थ की अवस्था इसे तीन प्रकार की अवस्था होती है। पहली ठोस यानी सॉलिड, दूसरी द्रव यानी लिक्विड, तीसरी गैस यानी गैस फॉर्म। इसमें क्या होता है? ठोस में जो पदार्थ का आयतन आयतन और आकार आकार दोनों निश्चित रहते हैं, दोनों निश्चित रहते हैं। निश्चित यानी कि अगर आपके पास इस तरीके से एक ठोस है, इसका आयतन भी हमें पता होगा यानी वॉल्यूम भी पता होगा, और इसका साइज का भी पता होगा कि ये किस साइज में है, जैसे कि बर्फ के टुकड़े स्क्वायर साइज में हैं या इस तरीके से भी आ जाते हैं, इस तरीके से भी आ जाते हैं, या इस तरीके से, वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। ठोस सॉलिड का आकार निश्चित होता है, वो या तो चतुर्भुज यानी कि वर्गाकार का हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है, गोल हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। लेकिन बात की जाए द्रव, द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, आयतन तो निश्चित होता है, निश्चित, बट क्या आकार, आकार निश्चित नहीं होता, निश्चित नहीं होता, निश्चित नहीं होता। कैसे कह सकते हैं हम आकार निश्चित नहीं होता? आप देखेंगे जैसे कि आप जल लोगे, तो जल को अगर आप गिलास में डालोगे, गिलास में, तो गिलास की शेप ले लेगा, यानी आकार ले लेगा, गिलास का आकार ले लेगा, गिलास का आकार ले लेगा अगर गिलास में डालेंगे। अगर उसे हम थाल में डाल दें, एक थाल में डाल दें, तो वो थाल के रूप में क्या हो जाएगा? आकार ले लेगा, थाल के रूप में आकार ले लेगा। तो वो उसका जो आकार निर्भर किस पर करता है? वो उस जिस पदार्थ में या फिर जिस चीज़ में उसे डाला जा रहा है उसकी शेप पर डिपेंड करता है। कौन? द्रव। बात की जाए गैस, गैस का ना तो आकार निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है, ना ही इसका आयतन निश्चित होता है, क्योंकि इसके कण काफ़ी दूर दूर होते हैं, जिस कारण हम इसका ना तो आकार बता सकते हैं ना ही आयतन। अगर बात की जाए इनके कणों को संपीड़ित किया जा सकता है, उसके आधार पर हम इनका सिर्फ भार निकाल सकते हैं, भार निकाल सकते हैं, लेकिन आयतन नहीं निकाल सकते, आयतन नहीं निकाल सकते। तो इन्हें हमने
बता दिया तीनों फॉर्म को। ठोस, ठोस की बात की जाए तो आयतन और आकार निश्चित होते हैं, हम इसे इसका आयतन यानी आकार होगा और इसका आयतन भी होगा। द्रव, द्रव का आयतन तो निश्चित होगा लेकिन आकार निश्चित नहीं होगा, ये किसी भी शेप में पाया जा सकता है, मतलब जैसा बर्तन होगा उसी शेप में द्रव होगा। बात की जाए गैस का, ना तो कोई आकार होता है ना ही आयतन होता, पर संपीड़ित करके इसे भी क्या किया जा सकता है, रखा जा सकता है किसी भी बर्तन में। बात की जाए तो इन तीनों में विसरण किस तरीके से होता है, विसरण किस में अधिक होता है, विसरण क्या होता है, विसरण जब दो पदार्थों के कण आपस में मिल जाते हैं स्वतही, वो क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है, हमने अभी पीछे पढ़ा था। तो इसमें विसरण सबसे ज़्यादा किसका होता है, गैस का। गैस में अगर आप अदर गैसों को मिला दोगे तो वो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। उसके बाद बात की जाए द्रव में क्या होता है, सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा विसरण होता है, द्रव में भी खुद से ही मिल जाता है, लेकिन ठोस में बहुत मुश्किल से होता है क्या विसरण। बात की जाए तो नामुमकिन नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल से होता है ठोस में, लेकिन द्रव और गैस में बड़ी आसानी से हो जाता है। बात की जाए उसके बाद संपीड़न की, संपीड़न की बात की जाए तो संपीड़न भी गैस में सबसे अधिक होता है, सबसे ज़्यादा संपीड़ित करके रखा जा सकता है, गैस को संपीड़ित करके ही रखा जाता है गैस सिलेंडर में, उसके बाद द्रव को संपीड़ित करके रखा जा सकता है, उसके बाद ठोस को। यानी कि अगर बात की जाए तो ठोस को बहुत कम संपीड़ित करके रखा जा सकता है, बल्कि बात की जाए इसे हम नहीं कर सकते क्योंकि इसका आकार निश्चित होता है, वो अपने आकार में ही संपीड़ित होगा, लेकिन द्रव को हम किसी भी सेम में डाल करके कर सकते हैं, लेकिन इसका क्या होता है, आयतन निश्चित होता है, इस कारण ये भी ज़्यादा संपीड़ित नहीं होगा, लेकिन इसका ना तो आयतन और ना ही आकार होता है, ये अगर दूर दूर है इसके कण, उन्हें आपस में ला दे तो इतनी सी जगह पे भी संपीड़ित हो जाता है, इतनी सी जगह पे संपीड़ित हो जाता है। बात की जाए तो जो ये तीनों फॉर्म है यानी कि पदार्थ की अवस्था है, इन अवस्था को ताप और दाब, ताप और दाब के आधार पर क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है यानी परिवर्तित किया जा सकता है। यानी अगर हमें क्या अवस्थाओं को चेंज करना है तो हमें उस पर ताप या दाब लगाना पड़ेगा, उसके बाद क्या हो जाएगी, पदार्थ की अवस्थाएं चेंज हो सकती हैं। तो बात की जाए सबसे पहले हम चलते हैं गलनांक पर, गलनांक क्या होता है। गलनांक आप देखोगे ये पृथ्वी है, पृथ्वी का वायुमंडलीय दाब जितना होगा उसी में ये सारी क्रियाएं होंगी। तो जो पृथ्वी का वायुमंडलीय दाब है उस पर, ठीक है ना, पृथ्वी का वायुमंडलीय दाब में जिस तापमान पर बात की जाए, तापमान पर कोई वस्तु क्या होती है या कोई पदार्थ ठोस से जिस तापमान पर क्या हो जाएगा, ठोस से क्या हो जाएगी, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी, उसे क्या कहते हैं, उसे ही क्या कहेंगे, गलनांक कहेंगे, ठीक है ना, गलनांक, या इसे संगलन भी कहते हैं। क्यों संगलन किस लिए कहा जाता है, संगलन गलनांक को ही कहा जाता है, क्योंकि कई बार पूछ लेता है, गलनांक ना पूछ के संगलन पूछ लेता है। तो संगलन क्या है, तो क्या होता है, वायुमंडलीय दाब में जिस तापमान पर ठोस द्रव अवस्था में चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, उसे गलनांक या संगलन कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं गुप्त ऊष्मा क्या है। तो एक ये निश्चित ताप होता है, जिस निश्चित तापमान पर क्या होता है, जिसके बाद पदार्थ क्या हो जाता है, एक पदार्थ और गर्म नहीं हो पाता, मतलब पदार्थ अधिक गर्म नहीं हो पाता, मतलब उसका एक निश्चित तापमान है, अधिक गर्म नहीं होगा उससे। जैसे कि हमने पानी गर्म कर दिया तो पानी अब मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, उबलता है यानी गर्म हो जाता है, उबल जाता है, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर उसका क्या होगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। परंतु क्या होता है, ये निश्चित तापमान क्या होता है, लेकिन हम इसकी अगर ऊष्मा बढ़ा दें तो क्या होगा, ये अपना चेंज क्या कर लेगा, पदार्थ अपना रूप चेंज कर लेगा, रूप परिवर्तित कर लेगा। तो कौन सा तापमान, वह निश्चित तापमान जिस पर कोई पदार्थ
क्या करता है, अधिक गर्म नहीं होगा परंतु अपना अपना क्या कर लेता, रूप चेंज कर लेता है। उसे क्या कहते हैं, गुप्त, जो तापमान यानी जितनी ऊष्मा दी गई है उसके लिए, तापमान के लिए जितनी ऊष्मा दी गई है उस ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा कहते हैं यानी कि आप देखोगे जल जब पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, गल जाता है यानी कि उबल जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, 100 डिग्री के बाद जब हम उसे तापमान बढ़ाते हैं उसका टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, परंतु क्या होता है उसका रूप चेंज हो जाता है। और इसे ही रूप चेंज होने को क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं, कि उसका वो जो रूप चेंज हुआ गुप्त ऊष्मा के कारण हुआ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा चलेगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा संगलन या गलन की प्रसुप्त ऊष्मा, गलन गलन या संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, प्रसुप्त ऊष्मा क्या है, संगलन या गलन की प्रसुप्त ऊष्मा। आप देखोगे ये सारी क्रियाएं वायुमंडलीय दाब पर होती है, वायुमंडलीय दाब पर, जब वायुमंडलीय दाब पर होती है ये सारी क्रियाएं, ये प्रसुप्त ऊष्मा की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है, मान लीजिए आपने 1 किलोग्राम ठोस पदार्थ लिया, ठोस पदार्थ लिया, उसको गलाने के लिए, उसको उसके गलनांक, या आप कह सकते हैं उसके गलनांक, गलनांक पर द्रव अवस्था में बदलने के लिए जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है, जो ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, गलन या संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं, प्रसुप्त ऊष्मा यानी कि किसे, जब 1 किलोग्राम ठोस पदार्थ लिया आपने और उसके गलनांक पर, मान लीजिए उसका, जैसे जल का हमने बर्फ ले लिया, बर्फ का गलनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में बदलने के लिए, मतलब कि उसे पूरे को क्या हुआ, जैसे ये ठोस का एक ये बर्फ का टुकड़ा है, ये बर्फ आपने इसे पूर्ण रूप से किस में चेंज कर दिया, लिक्विड यानी कि द्रव में चेंज कर दिया, यानी कि पानी में चेंज कर दिया। पानी में चेंज करने के लिए जितनी भी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ी, वो क्या कहलाई, प्रसुप्त ऊष्मा कहलाई। मतलब कि किसी पदार्थ को ठोस से द्रव में बदलने के लिए, लेकिन क्या इसका गलनांक 100 डिग्री सेल्सियस था, उस 100 डिग्री सेल्सियस तक ही, ना कि आपने अधिक टेम्परेचर कर दिया और क्या हुआ वो वाष्प में बदलने लगा, वो उसकी प्रसुप्त ऊष्मा नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगी गुप्त ऊष्मा, अगर आप अधिक टेम्परेचर देते हो और वो अपना रूप चेंज करता है। लेकिन गलनांक के गल जितना गलनांक है उसी गलनांक पर आपने ना पूरे बर्फ को किस में चेंज कर दिया, द्रव में चेंज कर दिया यानी पानी में चेंज कर दिया, तो वो उसकी प्रसुप्त ऊष्मा कहलाएगी, प्रसुप्त ऊष्मा कहलाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट आता है हमारा क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बिंदु या क्वथनांक क्या होता है। तो ये सारी की सारी विक्रियाएं मैंने पहले भी बताया था वायुमंडलीय दाब पर ही होती हैं, ये किसी और दाब पर नहीं होती, क्योंकि वायुमंडल का जितना दाब है उसी में ये हो रही है। तो वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब पर ठीक है ना, जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगे, वायुमंडलीय दाब पर जिस ताप पर, या आप कह सकते हो वायुमंडलीय दाब में जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगे, क्या करे, कोई द्रव उबलने लगे यानी कि आपने जैसे कि उबलने लगे मतलब जैसे आपका जल कितने पे, आप जानते हो वायुमंडलीय दाब पर 100 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या होता है, उबलने लगता है। जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचते हैं जल क्या होता है, उबलने लगता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, जल का क्वथनांक है,
क्वथनांक है, मतलब कि आप जिस पर भी जिस तापमान पर कोई द्रव उबलने लगे वही क्या है उसका क्वथनांक है। क्वथनांक है जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस हमने जल का बता दिया, या 373 केल्विन भी होता है, 373 केल्विन भी जल का क्वथनांक होता है। ये केल्विन में होता है, डिग्री सेल्सियस में होता है, डिग्री सेल्सियस में होता है। इसके बाद बात करें ऊर्ध्वपातन, ये ऊर्ध्वपातन, ये सारी की सारी क्रियाएं किस कारण हो रही हैं, क्योंकि हमने जो है उस पर क्या पदार्थ के पर दाब और ताप डाला तो उसकी जो अवस्थाएं थी उनमें चेंजेस हो रहा है, किसके कारण, दाब और ताप के कारण, दाब और ताप, तो ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन को क्या कहते हैं, सबलिमेशन या उदातीकरण भी कहते थे, उदातीकरण, उदातीकरण। अभी कुछ समय पहले मैंने पढ़ा था तो उदातीकरण पूछा था, तो कुछ लोगों को नहीं पता था उदातीकरण किसे कहते हैं, तो उदातीकरण भी किसे कहते हैं, ऊर्ध्वपातन को कहते हैं। आप जानते हो वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब पर ही होगी सारी क्रियाएं, जब कोई ठोस, ठीक है ना, ठोस सीधा किसमें, गैस में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि सीधा ठोस से गैस में चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी कि वो किसमें, लिक्विड फॉर्म में आया ही नहीं, तो वो ठोस से सीधा गैस में आ गया, उसे क्या कहते हैं, उदातीकरण या ऊर्ध्वपातन या सबलिमेशन कहते हैं, सबलिमेशन कहते हैं। लेकिन बात की जाए इसका उल्टा होता है निक्षेपण, निक्षेपण भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसे निक्षेपण बोलते हैं, यानी गैस से, गैस से। देखिए ज्योग्राफी में भी एक निक्षेपण होता है, वो निक्षेपण क्या होता है, अवसादों के कारण जब मिट्टी या बाढ़ या नदियों के द्वारा क्या होती है, मिट्टी आती है तो किसमें, खाली स्थानों में भरकर क्या कर देती है, मैदान का निर्माण कर देती है, वो निक्षेपण अलग है, ये निक्षेपण अलग है। इसमें क्या होता है, गैस से सीधा चेंज हो रहा है किसमें, चेंज हो रहा है किसमें, ठोस में, ठोस में, यानी कि ये ऊर्ध्वपातन का विपरीत है, गैस से ठोस में चेंज हो रहा है, उसे क्या कहते हैं, उसे निक्षेपण कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। इसके बाद बात की जाए तो हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा है वो है वाष्पीकरण, वाष्पीकरण। इसके कारण ताप और दाब के कारण यही सारी क्रियाएं होती हैं। वाष्पीकरण क्या होता है, क्वथनांक को, ठीक है ना, क्वथनांक से, ठीक है, या आप कह सकते हो क्वथनांक, क्वथनांक आप जाते हो क्वथनांक, 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 क्वथनांक से कम ताप पर, कम ताप पर। आप जानते हैं जैसे कि जल का क्वथनांक कितना है, क्वथनांक यानी कि उबलना, उबलना 100 डिग्री सेल्सियस से, उससे कम ताप लिया, कम ताप पर गैस में परिवर्तित होना, परिवर्तित होना, होना क्या कहलाता है, गैस में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, वो कहलाता है वाष्पीकरण कहलाता है, परिवर्तित होना वाष्पीकरण कहलाता है। बट इसके एक कारण है, वाष्पीकरण से क्या होता है, वाष्पीकरण से शीतलता आती है, ना कि गर्म होता है, शीतलता आती है, यानी कि ठंडा होता है, शीतलता आती है। जैसा कि आपने देखा होगा, इसका मतलब है वो जो गैस रिलीज हुई ना यहाँ पे, जो गैस परिवर्तित हुई है वो इस कारण हुई है, जो टेम्परेचर आया है उस टेम्परेचर को क्या कर दिया, एब्जॉर्ब करके बाहर निकाल दिया और उसे ठंडा कर दिया। यानी कि आप देखो कि गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में जब पसीने आते हैं, पसीने, पसीने आते हैं तो क्या होता है, पसीने आने पर जैसे ही पंखा चलता है, जैसे ही पंखा चलता है हम क्या करते हैं, ठंडा महसूस करते हैं, ठंडा यानी शीतल महसूस करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो पसीने होते हैं, पसीने गर्म होते हैं, गर्मी के कारण आते हैं, पंखे की हवा क्या होती है, ठंडी होती है, और वो क्या करती है, ठंडा गर्म क्या करती है, ठंडा गर्म रिएक्शन करके क्या, गर्म एक गैस बनाती है और हवा में उड़ जाती है, यानी कि वायुमंडल में चली जाती है, जिसके कारण हमें क्या सा होता है, ठंडा प्रतीत होता है। और जो हमारा ये चैप्टर है ये यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।